हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बना रहे हैं कद्दू वाली दाल। ये दाल खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और इसे हम चावल या फिर रोटी के साथ आराम से खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक कटोरी कद्दू। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। एक कटोरी चने की दाल मैंने यहाँ पे इसे भिगो कर रखा है। एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटी हुई, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ करिए लहसुन की बारीक कटी हुई, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर। हमें आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर चाहिए, धनिया पत्ती गार्निश करने के लिए, 1 चम्मच गरम मसाला बनाने के लिए सरसों का तेल। आइए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, इसमें डाल देते हैं दाल को, कद्दू को। अब इसमें हम डाल देंगे 1 ग्लास पानी, या हमें जितना अब लगता है पानी, हल्दी पाउडर, नमक, और इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे। हमें इसे 3 सीटी लगाना है, तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और इसे हम अच्छे से पकने देंगे। तो 3 सीटी लग चुका है दाल में, अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं। अब हम इसे एक दाल घोटनी से हल्का सा दाल को घोट लेंगे। तो मैंने यहाँ दाल को घोट लिया है। अगर आपके पास दाल घोटनी नहीं है तो आप इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम दाल में तड़का लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे कढ़ाई। इसमें डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम गर्म होने देंगे। तो तेल गरम हो चुका है, डालिए इसमें जीरा। हम सॉरी, मैं आपको जीरा बताना भूल गई थी। जीरा को हम स्प्रेटर करने देंगे। जीरा हमारी क्रैक कर रही है। अब डाल देंगे इसमें हम ये लहसुन। इसे हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो उसका कच्चापन है वो चला जाए। हमारा लहसुन फ्राई हो चुका है। अब डाल देंगे इसमें हम प्याज। प्याज को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। डाल देंगे इसमें हम टमाटर, साथ में डाल देंगे इसमें हम हरी मिर्च। इसे हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे फ्राई कर लिया है। दाल डालते समय हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और डाल देते हैं हम दाल को। तो दाल यहाँ पे मैंने डाल दिया है, इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसे हम ढककर हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। तो मैंने यहाँ पे इसे पका लिया है 5 मिनट के लिए। अब डाल देंगे इसमें हम गरम मसाला, धनिया पत्ती। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और तैयार है हमारी कद्दू वाली दाल या फिर लौकी की दाल। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।